नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम का तंज, जिसका अध्यक्ष ही हमारी पार्टी में आ गया, उनकी राह पर हम कैसे चलेंगे। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की यूनिट खत्म। हिमाचल में सरिया हुआ और ज्यादा महंगा, 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे रेट, पिछले 3 दिन में 400 रुपए बढ़े दाम। महिलाओं को बस किराए में छूट देने के फैसले के विरोध में उतरे निजी बस ऑपरेटर। करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में एक और निजी संस्थान पर सीबीआई कार्रवाई की तैयारी। एसजेवीएन की परियोजनाओं पर भड़के ग्रामीण अधिकारियों को गाँव में न आने की दी हिदायत। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी की राह पर चलने के सवाल पर सीएम जयराम ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष हमारी पार्टी में शामिल हो गया हो, वो पार्टी खुद ब खुद राह से फिसल गई है। उन्होंने कहा कि बीते रोज की गई घोषणाओं पर बहुत पहले से चर्चा चल रही थी, जिसके बाद ही ये घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने उनकी घोषणाओं पर कांग्रेस पार्टी द्वारा 75,000 करोड़ कर्ज के आरोप पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सत्ता में आने वाली नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की यूनिट खत्म हो गई है। आपकी हिमाचल में सक्रियता और बड़े स्तर पर दौरों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं होगा। वो ऊना में शनिवार को मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम की ओर से की गई घोषणाओं को कांग्रेस द्वारा चुनावी स्टंट बताने के प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में की गई घोषणाओं का भी जनता ने स्वागत किया था और अब जनता इन घोषणाओं का भी स्वागत कर रही है। जनता के लिए और जनता के रुपए बचाने के लिए ही ये घोषणाएं हुई है। भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। अब तक भी अच्छा काम किया है और आगे भी इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। हिमाचल में निर्माण सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ईंटों के बाद अब सरिये के रेट में उछाल आया है। हिमाचल में सरिये के दामों में पिछले 3 दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। 3 दिनों के भीतर ही सरिये के दामों में 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। 3 दिन पहले ही सरिया के दामों में कमी आई थी। सरिया के दाम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम होकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हुए थे। बुधवार से शुक्रवार तक प्रति क्विंटल 400 रुपए दाम बढ़े हैं। सरिया डीलरों का कहना है कि अब दाम 7,900 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। इसके अलावा सीमेंट के दाम भी आसमान छू रही हैं। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं का जहां कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं। शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा महिलाओं को सरकारी बसों में किराए में 50% छूट देने के फैसले के खिलाफ निजी बस ऑपरेटर निराश हो गए हैं। निजी बस ऑपरेटर ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग उठा दी है। ऑपरेटरों का कहना है कि जब सरकारी बसों में महिलाओं का आधा किराया लगेगा, तो वो निजी बसों में क्यों बैठेंगे। इससे निजी बस ऑपरेटरों को घाटा उठाना पड़ेगा। निजी बस एसोसिएशन के महासचिव नरेश कमल का कहना है कि सीएम जयराम ने हिमाचल दिवस पर महिलाओं को बसों में किराए में छूट देने की घोषणा की है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे निजी बसों में महिलाएं सफर नहीं करेंगी और इसको लेकर अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग निजी बस ऑपरेटर्स ने उठाई है। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। देश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई नाइलेट के एक केंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आरोप है कि छात्रवृत्ति हड़पने वाले संस्थान के पास करोड़ों की संपत्ति है। इसकी जांच करने के लिए सीबीआई मामला ईडी को सौंपने जा रही है। सीबीआई की अब तक की जांच में 266 में से 28 निजी संस्थानों को घोटालों में संलिप्त पाया गया है। 11 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 17 संस्थानों के खिलाफ जांच जारी है। 3 संस्थानों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 12 से अधिक व्यक्तियों को चार्जशीट में नामजद किया जा सकता है।
जनजातीय जिला किन्नौर के पुहखंड के तहत कानम गांव में शनिवार को ग्राम सभा के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों और ग्रामीणों में काफी देर तक बहसबाजी होती रही। दरअसल SJVN प्रबंधन ग्रामीणों को अपनी परियोजना के निर्माणाधीन कार्य से अवगत करा रहा था। सभी ग्रामीणों का गुस्सा परियोजना प्रबंधन पर फूटा और ग्राम सभा के बीच युवाओं ने SJVN प्रबंधन के अधिकारियों को परियोजना के नुकसान के बारे में अवगत करवाते हुए निर्माण कार्य शुरू न करने की चेतावनी दे डाली। जिला के प्रस्तावित जंगी छोपन जल विद्युत परियोजना का काम SJVN के पास है। ऐसे में SJVN प्रबंधन लंबे समय से इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों से NOC लेकर काम कर रहा है, लेकिन अब तक अधिकतर पंचायतों ने SJVN को इस परियोजना के लिए इनकार ही किया है।